हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके दरखाना। सर्दियों का मौसम है और मटर पुलाव तो आपने कई बार बनाया होगा। एक बार आप सोयाबीन के साथ मटर पुलाव बनाकर देखी, जिसका जायका कुछ अलग ही लेवल का आता है। स्वाद और सेहत से भरपूर ये पुलाव सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी पुलाव को बनाना। गैस पर कुकर रखकर 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, तेज पत्ते और कुछ खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद में 2 मीडियम साइज की प्याज, इनको मोटा काट लिया था, ये डालकर हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्की गुलाबी फ्राई होने के बाद में आधी कटोरी मटर के दाने डालकर 2-3 मिनट तक भूनना है। इसके बाद में आधी कटोरी भीगी हुई सोया चंक्स डाल देते हैं। साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में 2-3 मिनट और भूनना है। एक और आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 3-4 मिनट भून लेंगे, जिससे लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा। एक बड़ा सा टमाटर, इसको मोटा काट लिया था, यह डाल देती हूँ। कुछ सेकंड मसालों के साथ में टमाटरों को भी भून लेंगे। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें 1 गिलास धुले हुए चावल डाल देती हूँ। लो फ्लेम पर हल्के हाथों से चावलों को कुछ सेकंड ही मसालों के साथ में भूनना है। 1 गिलास चावल पर 2 गिलास पानी डालेंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच नमक और डाल देती हूँ। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे जो पुलाव है बहुत ही खिला खिला बनेगा। सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। जैसे ही पानी और चावलों में उबाल आ जाता है, एक बार और मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 विसिल लगा लूंगी। विसिल आने के बाद में सारा प्रेशर अपने आप निकाल देंगे। इसके बाद ढक्कन खोलकर देख लेते हैं, देखिए कितना बेहतरीन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर मिक्स करेंगे, जिससे पुलाव देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। मटर पुलाव तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार आप सोयाबीन के साथ ये पुलाव बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये पुलाव बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर ऑफिस के टिफिन में रखें, खाने वाले खाते ही जाएंगे और आपके तारीफ किए बिना रह ना पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।